अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी कामना करोगे, और अगर सिर्फ कर्म करोगे तो करामत नहीं करोगे। कैसे सो जाऊं इतनी खामोशी से, जब मेरी नींद से बड़े मेरे ख्वाब हैं। याद रखना, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ होती है। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ। उठो अपने लक्ष्य के साथ, सो जाओ अपने लक्ष्य के साथ, और तैरो अपने लक्ष्य के साथ, डूबो भी अपने लक्ष्य के साथ। संभवत सीमा जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह असंभव से भी आगे निकल जाना। जान लगा दो हर काम में, देखा जाएगा जो अंजाम में। पढ़ाई में आलस करना यानी अपने माता पिता के प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना। वक्त का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लोगों को अपना काम मत गिनाइए, अंजाम जो होगा सब देख लेंगे। पढ़ाई पढ़ा है जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, बस पढ़ाई करते रहना। रिस्क लीजिए, अगर जीत गए तो लीडर बनोगे, अगर हार गए तो बेहतरीन गाइडर। अगर किसी कार्य का शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत कीजिए, बातें बंद कीजिए। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, क्योंकि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। इतनी जी जान से पढ़ाई कर लीजिए कि नौकरी ना लेनी पड़े, बल्कि नौकरी देनी पड़े। चलो मान लेते हैं जो बीत गया वह सबसे बुरा था, परंतु जो बच गया वह सबसे बेहतरीन हो सकता है। सिफारिश और गुजारिश से मैं अपना एडमिशन नहीं चाहता, मैं तो अपनी जगह अपनी मेहनत से पूरी करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंत में एक लाइन बोलता हूँ, आगे बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।